सो हेलो एंड दिस इज सुमंत, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आए हैं हमारे इग्निस की थोड़ी मॉडिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है फिल्म लग रही है, और इधर अभी डैम्पिंग का काम चालू होगा। उसके बाद जो है स्पीकर इसमें जो लग रही है वो मॉरल की है। सबसे पहले जो है डुअल साइड डैम्पिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है स्पीकर इसमें लगा जाएगा। स्क्रीन के लिए भी अभी हम लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, तो फिर जैसा फाइनल होता है उस हिसाब से आपको बताते हैं। फिलहाल के लिए तो ये जो दो काम है ये ऑनगोइंग है। ये पूरा हटेगा फिर इसके ऊपर डैम्प लगेगा क्या? इसके साथ बहुत सारा काम हो रहा है। अब ये बी पिलर में रैपिंग भी होगा मैट ब्लैक में। और जो यहाँ जो स्टेयरिंग है उसको हम लोग लेदर स्टिच करवाएंगे। चालू हो गया है। तो जो एक साथ बहुत सारा काम यहाँ चल रहा है, स्टेयरिंग का लेदर स्टिच, रैपिंग, और इधर जो है डैम्पिंग का काम चल रहा है, स्पीकर का काम ऑनगोइंग है। जो बीच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या जो है लगाया जा सकता है, उसके बाद फाइनल करके बताते हैं। तो यह है हाइपरसोनिक का स्क्रीन जो लगेगा, लीजिए लगाइए इसको। तो ये हाइपरसोनिक का स्क्रीन जो फाइनल हो गया, ये 232 GB वाला है। काम तो भाई बड़ी ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे। सारे स्टाफ लगे हुए हैं, बढ़िया। फ्रंट में भी जो है, फ्रंट का जो विंडशील्ड है इसमें भी जो लैमिनेशन किया जा रहा है, सो दैट थोड़ा हीट को अच्छे से मैनेज कर पाए और कूलिंग जल्दी हो। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रंट में भी ऐसे करते हैं। और ये एंटी ग्लेयर है कि अगर रात को भी चलते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियाँ आती हैं ना हेड देते हुए, तो उसको थोड़ी ये फिल्टर कर देती है, तो इसलिए लगता है। ये हो रहा वायरिंग का काम। हाँ, ये शायद कितना इंच? 9 इंच का है ना? अरे ब्लॉग ब्लॉग नहीं बनेगा यार। अरे भाई ब्लॉग ब्लॉग, हेलो। तो ये जैसे पिलर में मैट ब्लैक हुआ, ये पूरा फुल होगा यहाँ पे, यहाँ तक। और जो है यहाँ पे पूरा मैट ब्लैक होगा। भाई स्पीकर्स लग चुके हैं, और ये जो है अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम ये भी लग गया है हाइपरसोनिक का। चल भी रहा है यार, काफ़ी मस्त लग रहा है। और अभी जो अंदर का ये फिल्म लग रहा है विंडशील्ड में, यहाँ भी ये जो स्पीकर लग गया है, इसके बाद जो डैम्पिंग होगी अंदर में, डैम्पिंग एक्चुअली हो रही है, मैंने नोटिस नहीं किया। अंदर में डैम्पिंग हो रही है, डबल लेयर होगा ये अंदर में भी, फिर इसके बाहर में भी डैम्पिंग होगा। तो इस तरह का डबल लेयर जो है डैम्पिंग हो गया है बाहर साइड में भी और अंदर साइड में भी, जैसे कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही। इससे जो है साउंड का क्वालिटी डबल से भी ट्रिपल ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये अभी सेम चीज़ चारों डोर पे होगी, उसके बाद जो है साउंड आउटपुट भी आपको दिखाते हैं, आई मीन सुनाते हैं भाई। उस पर हम लोग भजन सुनेंगे। कैसे करेगा? बूम बूम करेगा। श्री हरि हनुमान जी की जय हो। अरे अरे दीदी हो, अरे उमर जा गए का रे रंजू। कैसे दे ये नाइट स्मोक का।
अब लग रहा है इसमें सेंट्रल लॉकिंग। तो ये कुछ इसका बॉक्स है, यूनिट प्लस रिमोट, सिरन्यू ऐसा कुछ है। तो ये अभी इसमें जो है सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करेंगे, रिमोट वाला जो लॉक होता है फ्लिप की के साथ, वही वाला। और ये लग गया सायरन अलार्म सेंट्रल लॉकिंग का। सो भाई आफ्टर मॉडिफिकेशन गाड़ी की लुक कुछ इस तरह आ रही है। और ये रही इसकी स्मार्ट की जो कि हमने आफ्टर मार्केट लगाया है, और ये पहले से नहीं आती थी। तो ये है की रिमोट। सो अभी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है लगवाएं। तो सबसे पहले जो है ये टिंट से आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने गरवारी का जो है टिंट लगाया है, और जो है काफ़ी अच्छा मतलब लुक जो है आ रहा है। उसके साथ साथ जो है हमने रैप भी करवाया था, जो कि ये मैट ब्लैक में रैप हुई थी पूरी बी पिलर में और ये सामने वाली पिलर में भी। उसके साथ जो है ये रेन वाइजर्स इसको बोलते हैं, ये भी लगवाया हमने। पहले एक्सेसरी जो है नेक्सा से ख़रीद ली थी और वो इसमें इंस्टॉल करवाई। और साथ में जो है स्क्रैच प्रोटेक्टर्स जो है वो भी लगवाया था, जैसे कि यहाँ पे जब भी हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो जो है मेरे हमारे नेल से जो है ये स्क्रैच हो जाती, तो उसके लिए ये स्क्रैच प्रोटेक्टर्स भी लगाया था। तो ये ओवरऑल जो बाहर में कुछ इस तरह का है चेंजेस किया गया है, ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, छोटा मोटा चेंजेस है जो बाहर से किया गया है। सो अब चलते गाड़ी का अंदर और अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या जो है हमने एक्सेसरी लगवाई कल। तो जैसे ही अंदर घुसेंगे सबसे पहले जो ये 70 जो मैट्स है वो हमने इंस्टॉल करवाई, आगे भी और जो है पीछे भी। इसमें हमने लैमिनेशन नहीं करवाया, जो नीचे में जो लैमिनेशन मैट डलती वो नहीं करवाया, डायरेक्ट जो है 70 मैट्स लगा दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके पास 70 मैट्स लगवाते हैं तो आपको लैमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जो कवरेज एरिया है ये काफ़ी अच्छा है, जिससे कि है आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है मिल जाता है। तो अब जो है सबसे पहले घुसते ही आपको गाड़ी में सबसे पहला जो डिफरेंस फील होगा वो होगा इसका बड़ा वाला स्क्रीन जो कि हाइपरसोनिक का है। और जो है इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, स्मूथनेस भी बहुत अच्छा है, गाड़ी को थोड़ा ऑन कर देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन का बात करते हैं, स्क्रीन ये 9 इंच की स्क्रीन है और काफ़ी स्मूथ है, जो कि ये आती है हाइपरसोनिक कंपनी से। और इसके साथ साथ जो है हमने जो है ऑडियो का काम करवाया, जो कि स्पीकर्स लगाए हैं, ये साइड में आपको दिखेगा क्योंकि ये पहले ही मैंने आपको दिखाया है वाइल इंस्टॉलिंग, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। उसके साथ जो है ट्विटर्स आ रही थी, तो ये ट्विटर्स भी हमने इंस्टॉल करवाई, जो काफ़ी अच्छा साउंड देती है, साउंड क्वालिटी रियली ऑसम है। अभी थोड़ी देर में इसका साउंड क्वालिटी आपको सुनाऊँगा। इसके साथ साथ जो है इसके साथ कैमरा भी इंस्टॉल करवाई है, जो कि एक फुल HD कैमरा है, क्योंकि इसमें स्टॉक जो है सिर्फ सेंसर्स आते थे, तो उसके साथ साथ हमने जो है कैमरा भी इंस्टॉल करवाई यहाँ पे। कैमरा के बाद जो है हमने ये छोटे छोटे कुशन्स भी लिए दो, और ये मेमोरी फंक्शन वाले मतलब मेमोरी फोम वाले हैं। अगर आपको आप जितना भी इसको ऐसे करके दबा दोगे ये वापस से सीधा हो जाएगा, तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ लगा मुझे। इसके साथ साथ जो है हमने जो मूड लाइटिंग बोलते हैं या कहो एम्बियंट लाइटिंग बोलते हैं वो भी हमने करवाया। तो ये डायरेक्ट इसमें स्विच है, प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, जैसे अगर आप इसको पुश कीजिएगा देखिए ये कलरफुल लाइट्स जो है जलना चालू हो जाएंगी, फ्रंट में भी और बैक में भी। तब जो है आपको इस साउंड सिस्टम का ओवरऑल रिव्यू देते हैं।
भाई कुछ ये रहा इस साउंड का रिव्यू, आई होप जो है आपको जबरदस्त लगा होगा। और इसमें स्पीकर से इतने अच्छे हैं कि आपको जो है सब बूफर की जरूरत नहीं पड़ती, बेस भी जबरदस्त है। तो भाई ये रहा इसका साउंड का रिव्यू, उसके साथ साथ बताते हैं और क्या क्या चीज है जिसमें लगाया गया है। वो है ये स्टेयरिंग को है हमने लेदर स्टिच करवाया, जो कि काफ़ी अच्छा लुक जो है दे रहा है और काफ़ी एक एलिगेंट लुक दे रहा है इस कार को। तो जो है ये रहा आपका कंप्लीट मॉडिफिकेशन